परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका दूसरा अध्याय, और इस दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे हम परमेश्वर का अभिषिक्त राजा। हम देखेंगे परमेश्वर का अभिषिक्त राजा कौन है, और पहली और दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग वैरत क्यों बातें सोच रहे हैं। दूसरी लाइन भी पढ़ लेते हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में संपत्ति करके कहते हैं, आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उसकी रस्सियों के अपने ऊपर से उतार फेंके। तो जो पहली आयत पढ़ी थी हमने, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ की बातें सोच रहे हैं, ये उस समय की घटना का विवरण है जबकि यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो उस समय सभी राजा मिलकर है वो उसके काफी चहल कदमी मच गई थी। आपने नया नियम पढ़ा है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। यहाँ पर प्रेरितों के काम, और जब उसकी हम चौथे अध्याय की 25वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने क्यों हुल्लड़ मचाया और देश देश के लोगों ने व्यर्थ क्यों बातें सोची। और इसी प्रकार से प्रेरितों के काम उसका चौथा अध्याय और 26वीं आयत में कहते हैं, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हुए। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उसकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। जब लोगों को पता चला कि मसीह यीशु का है, जन्म हुआ है इस दुनिया के अंदर, तो वहां के राजा हेरोदेस ने और बाकी लोगों ने मिलकर कहा कि जो ये परमेश्वर का जन्म उत्पन्न हुआ है इसको मार कर किस्सा ही खत्म कर देते हैं। तो आपको पता होगा कि 2 साल तक के सभी बच्चों को उस समय हेरोदेस ने मरवा डाला था, ताकि क्योंकि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वो राजा बनने वाला है, जबकि हेरोदेस ने सोचा था कि वो जो यीशु मसीह जो पैदा होने वाला है वो उसके राज्य को ले लेगा। ज्योतिषियों ने जो भविष्यवाणी की थी वो इस विषय में की थी कि वो इस जगत का राजा बनने वाला है, जबकि वो शारीरिक रूप से सोचा कि वो राजा बन गया तो मेरा क्या होगा। और चौथी आयत में कहते हैं, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तो जब राजाओं ने और दूसरे लोगों ने जब यीशु मसीह के विरुद्ध है वो योजनाएं बनाई थी, तो उन योजनाओं को देख कर जो सर्वशक्तिमान है वो हंसेगा और उन लोगों को ठट्ठे में उड़ाएगा, क्योंकि जिसने परमेश्वर ने भेजा है और जो परमेश्वर का स्वयं बेटा है उसके खिलाफ लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। 5वीं आयत में हम देखते हैं, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। जब परमेश्वर को ऐसे लोगों की जो ये जो चतुराई है और जो षड्यंत्र है इसका पता चलेगा, तो परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत क्रोध में बातें करेगा और ऐसे लोगों को उन्हीं के कार्यों के द्वारा घबरा देगा। 6वीं आयत में लिखा है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। और 7वीं आयत में लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। इसी लाइन को यदि हम देखें प्रेरितों के काम और उसके 13वें अध्याय की 33वीं आयत में, तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसे दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है आज मैंने तुझे उत्पन्न किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 8वीं आयत से, और यहाँ पर लिखा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर हमसे वादा करते हैं कि तुम मुझसे मांगो और तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, बल्कि जो कुछ तुम्हें चाहिए वो सब कुछ तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। और 9वीं आयत से हम देखते हैं, तू उन्हें लोहे के डंडों से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। किन को? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते और उसने जो नियम कायदे ठहराए हैं उन पर नहीं चलते। और इस 9वीं आयत को हम प्रकाशित वाक्य की जो दूसरे अध्याय की 26वीं आयत में देखते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है,
जो जय पाई और मेरे कामों के अनुसार अंत तक उन्हें करता रहे, उसे मैं जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। यानी जय पाना है और जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाना है तो ये जरूर आवश्यक है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि जैसा परमेश्वर ने ठहराया है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है और उसी के मन के मुताबिक हमें अपने कार्यों को लगातार करते रहना है। और इसी लाइन को हम यदि प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय की 27वीं आयत में देखें तो यहाँ पर लिखा है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चुकना चूर हो जाते हैं। और इसी वाक्य को यदि हम प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और 5वीं आयत में देखें तो यहाँ पर लिखा है, वह बेटा जनेगी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और इसी वाक्य को हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय की 15वीं लाइन में लिखा है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौखी तलवार निकलती है, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदेगा। और दसवीं आयत में क्या कहते हैं, हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, इसलिए अब हे राजाओ बुद्धिमान बनो और हे पृथ्वी की नैयो यह उपदेश ग्रहण करो। तो यहाँ पर लेखक हमें समझाता है कि अब इस बात को समझ लो कि परमेश्वर के राज्य को प्रवेश करने के लिए यहोवा परमेश्वर को हमें अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना है, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना है। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर की संगति करने का, रात दिन संगति करने के बारे में बताया गया है कि डरते हुए और कांपते हुए परमेश्वर की भक्ति करना है, आराधना करना है, उससे अपने गुनाहों से मुक्ति मांगते हुए लगातार हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और आखिरी लाइन में लिखा है, पुत्र को चूमो ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में नष्ट हो जाए। तो यहाँ पर यीशु मसीह को ग्रहण करने, उसके नाम का बपतिस्मा लेने और उससे प्यार करने के बारे में निर्देश दिया गया है, क्योंकि ऐसा न करने से परमेश्वर है वो क्रोधित हो सकता है और हमें मार्ग में ही नष्ट कर सकता है, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। क्योंकि जिस प्रकार के हम कार्य कर रहे हैं और उनसे मन नहीं भिराते तो इसके कारण परमेश्वर का कोप हम पर कभी भी भड़क सकता है। धन्य वे हैं जिनका भरोसा उस पर है, लेकिन वो लोग धन्य है जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता उसका 3 अध्याय और इस अध्याय में देखेंगे हम सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। फिलहाल के लिए इतना ही, आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको शांति दे, आशीष दे।